मॉडल्स में क्या बचा? मेरे ख्याल से सब हो गया मॉडल्स में तो। क्यों भाई बोलिए, कोई बोल नहीं रहा है। मॉडल्स कंप्लीट हो गया, ठीक है, नीड और डेयर हो गया। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, शायद आप लोग रिवाइज ना कर पाए होंगे, तो एक तरफ से हम पूरा बता दे रहा हूँ। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स कितने हैं, ठीक है, अब किनका किनके बीच का डिफरेंस एग्जाम में यूजुअली आता है या हम यूजुअली डेली लाइफ में यूज करते हैं। मस्ट नॉट, कैन नॉट का डिफरेंस, कैन नॉट और मे नॉट का डिफरेंस, मस्ट को जनरली हमें लगता है कि कंपल्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन मस्ट को ग्रेटर पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद मस्ट और हैव टू, मस्ट भी कंपल्शन शो करता है, हैव टू भी कंपल्शन शो करता है। तो अगर हमें कंपल्शन शो करना है, ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक मस्ट का एक हैव टू का। तो कब हम कंपल्शन के लिए हैव टू फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर मस्ट का यूज करेंगे, ऑलराइट, ठीक है, ओके। उसके बाद एडवाइस में शुड भी आता है और टू भी आता है, तो दोनों ही सलाह के सेंस में हिंदी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो अगर सलाह की बात होगी तो कब शुड का यूज करें, कब ऑट टू का यूज करेंगे, राइट। उसके बाद विल और शैल हिंदी के अकॉर्डिंग ये दोनों ही गे गागी यानी कि फ्यूचर टाइम को रेफर करता है, ठीक है, तो किसका यूज कब करेंगे। उसके बाद शुड ऑट टू यहाँ पे हो ही गया। फिर नीड नॉट और मस्ट नॉट का डिफरेंस आता है, कब हम नीड नॉट का यूज करें, कब मस्ट नॉट का यूज करेंगे, कल पढ़ लिया था हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद परमिशन के लिए जनरली किस मॉडल का यूज करते हैं, तो कैन का, मे का और कुड का, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए जनरली किस मॉडल का यूज करते हैं, मे का, कैन का, वुड का, माइट का, लेकिन मस्ट का भी हम करते हैं जब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है, सर्टेनिटी के लेवल का हो। उसके बाद नीड और डेयर ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होते हैं, ठीक है। तो ये कब कैसे यूज किए जाएंगे ये आप लोगों को कल बता दिया गया था एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, ओके। तो ये मॉडल वर्ब आप लोगों का हो गया खत्म। अब मॉडल वर्ब की एक्सरसाइजेस मिलेगी, मैं एक्सरसाइज आज आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। जैसा कि इसमें इसमें किसी को कुछ कहना तो नहीं है, ओके। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि जो फ्रेजल वर्ब है उसका हमें एग्जाम क्वेश्चन शीट करना था, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा जो पहले से पेंडिंग है, उसके बाद ये शीट हम इसका भेज देंगे मॉडल्स का, एग्जाम क्वेश्चन शीट। आज पूजा नहीं आई है ना, अपाला आई है क्या? सर जी सर वो टाइम नहीं बताए आपकी, कब से नया बैच प्रारंभ करेंगे? अच्छा ठीक है, बच्चों पे ये नया बैच तो जल्दी शुरू हो जाएगा, आप जानते हैं बहुत लंबा नहीं, अगर क्रैश कोर्स शुरू करना है तो 20 बच्चे भी हो जाएंगे, तो तुरंत शुरू कर दूंगा, ठीक है। क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूँ सर। हाँ तो 20 बच्चे जैसे हो जाएंगे, अब इसके बारे में बाद में हम लोग बात कर चलाएंगे, चलाना तो तय है, चलाना है ही, ठीक है। जैसे 20 बच्चे हो जाएंगे, 20 बच्चों का एनरोलमेंट हो जाएगा, हम चालू कर देंगे। खैर अभी उसको छोड़िए, इसको देखते हैं। तो अभी हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे का जो है एग्जाम क्वेश्चन शीट सॉल्व करनी, किसका, फ्रेजल वर्ब का। ये हो जाएगा तो सेकंड प्रायोरिटी पे हम लेंगे मॉडल के एग्जाम क्वेश्चन शीट। तो अभी हम लोग क्या करें, एक नया टॉपिक शुरू करें या क्या करें? बोले 3 पैसेज एक दिन हमने भेजा था, ठीक है, लास्ट टाइम 3 पैसेज भेजा था। क्या आपने उन 3 पैसेज को आप लोग किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं? एवरी वन यस ओके, मैं ये तीनों को एक बार फिर से भेज दे रहा हूं ताकि अगर किसी को ना मिला हो तो मिल जाए। जैसा जी अभी नहीं मिला होगा, ठीक है, मिल गया आप लोगों को?
ठीक, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या फ्रेजल वर्ब की एक्सरसाइज अगर सब लोगों ने किया है और रिवीजन किया है फ्रेजल वर्ब, तो क्या फ्रेजल वर्ब का शीट ले लें, एक्सरसाइजेस ले लें या पैसेजेस ले लें, जैसा आप लोगों का विचार हो जल्दी बताइए। सर पैसेज करा दीजिए सर। पैसेज करा दें, चलिए ठीक है। इज एवरीवन एग्री, रेडी एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है। एक बड़ा छोटा पैसेज है जो टॉप पे था, अभी जो हमने भेजा, अभी जो भेजा उसमें जो टॉप पे था, देयर इज ग्रोइंग पैरेलल बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी, मिला आप लोगों को यस? फर्स्ट वाला जो था उसमें मिल गया। असल में मेरा थोड़ा इंटेंशन ये इस समय है कि जैसे फटाफट अगर हम लोग ग्रामर वाला सेक्शन पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो सिर्फ पैसेज ही नहीं, पैसेज के साथ साथ जैसे एक थोरो पेपर होता है ना, ठीक है, ओवरऑल पेपर जैसे होता है, उसमें थोड़ा ग्रामर भी होता है, थोड़ा वोकैब भी होता है ना, थोड़ा पैराजम्बल होता है, एंटोनिम सिनोनिम्स भी होता है, स्पेलिंग एरर भी होता है, ठीक है, तो वो करने में थोड़ा ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन आप लोगों का डिमांड था कि सर सिर्फ जो है पैसेज का रोज चलना चाहिए, तो इसलिए पैसेज हम रोज चला भी रहे हैं, ठीक है, ओके चलिए। देयर इज ग्रोइंग पैरेलल बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इन टर्म्स ऑफ, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर वन, देयर इज पैरेलल बिटवीन इंडिया एंड यूरोप एज रिगार्ड्स, किस चीज को लेकर के? अकॉर्डिंग टू द पैसेज द फॉरेन लैंग्वेज पॉलिसी इन द ईयू एम्स टू फॉस्टर, ठीक है, the passage says that the rising demand for है, ये misprint हो गया, for है, ठीक है, for English in EU is because of, ठीक है, EU schools regard English as, English को कैसे regard करते हैं, in Europe the usual pattern is that, Europe में usual pattern है कि क्या है, ठीक है, okay, एक मुझे urgent call याद आ गया करने को, मैं आप लोगों को बामुश्किल जो है 20 सेकेंड में ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। चलिए आने को ये मतलब हमें लग रहा है कि एक पैरेलल कंपैरिजन कर दिया है लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज के बीच, ठीक है। देयर इज ग्रोइंग पैरेलल बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है, एंड चैलेंजेस ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन रीजनल लैंग्वेज माइनॉरिटी लैंग्वेजेस एंड द राइजिंग डिमांड फॉर इंग्लिश, ठीक है, ये बहुत बढ़िया पैसेज दिया है, समझ में आए? चैलेंज ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन रीजनल लैंग्वेज माइनॉरिटी लैंग्वेज और राइजिंग डिमांड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें बैलेंस कैसे बनेगा? द EU's लैंग्वेज पॉलिसी प्रोमोट मल्टीनेशनलिज्म एंड द आइडिया दैट एवरी EU सिटीजन शुड लर्न एंड स्पीक एटलीस्ट टू फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस इन एडिशन टू देयर मदर टंग, उनका जो मदर टंग है उसके अलावा दो फॉरेन लैंग्वेज भी सीखना जरूरी है। इन प्रैक्टिस, प्रचलन में, है ना, प्रैक्टिस का मतलब केवल अभ्यास ही नहीं होता, प्रचलन भी होता है, ठीक है। इन प्रैक्टिस द फॉरेन लैंग्वेज करिकुलम इन यूरोप यूरोपियन कंट्रीज इज डोमिनेंट नाउ बाय द नीड टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश के सीखने की जो आवश्यकता है, नीड है, देखिए नीड क्या क्या है इसको समझिए, मॉडल का यूज हुआ, ठीक है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। In practice, the foreign language curriculum in European countries is dominant now by the need to learn English. Need, English learn करने की आवश्यकता के दबाव में या प्रभाव में, ठीक है। So the de facto policy is that children should, in addition to language of their member state, learn English and one other European language. एक तो उनके state का होगा ही, उसके बाद एक foreign language के तौर पे इंग्लिश होगा और एक किसी दूसरे राज्य का लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश इंग्लिश हैज बिकम नॉट ओनली द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस अक्रॉस यूरोप बट आल्सो
the corporate language of many French, German, Dutch, and Spanish enterprises. The trend across Europe is for schools to begin teaching English in class 1. ये तो हम लोग को लगता है कि इंडिया ही हम लोग को लगता था कि बैकवर्ड है, अंग्रेजी नहीं आती. इसको तो देख के ऐसा लग रहा है ये डेटा को, ये इंग्लिश लर्निंग के मामले में हम लोग तो उनसे बेहतर है यूरोपियन कंट्रीज से. द ट्रेंड अक्रॉस यूरोप इज फॉर स्कूल्स टू बिगिन टीचिंग इंग्लिश इन क्लास 1, ट्रीटिंग इट एज अ बेसिक स्किल रादर देन अ फॉरेन लैंग्वेज. दिस ट्रेंड बिगेन इन earnest only after the year 2000. However, the method to teach English are diverse. An increasingly popular trend is towards bilingual schools, which teach through more than one language medium. ठीक है, बढ़िया पैसेज है. इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बता दिया, लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बता दिया. There is parallel between India and Europe as regards. किस चीज के मामले में भाई? लैंग्वेज पॉलिसी. एक मिनट में नंबर लिख कर दीजिए. पांच ही क्वेश्चन है. 1, 2, 3, 4, 5. हाँ, लैंग्वेज पॉलिसी के मामले में ना. क्यों भाई, एग्रीड एवरीवन? यस सर. फर्स्ट ओके. यस सर. According to the passage, the foreign language policy in the EU aims to foster kya? Second, multilingualism. Yes sir. ये कहीं पे mention है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है. Confirm करिएगा आप लोग. Sir, multilingualism लिखा. ठीक है, दो foreign language और एक mother tongue, तीन हो जाएगा. ठीक है ठीक है ठीक है. Third, the passage says that the rising demand for English in EU is because of. कहे के लिए है? Sir, second. ये है मैडम, कहीं पे mentioned है? ये common sense के आधार पे आप लोग कह रहे हैं. Is it mentioned somewhere in the passage? बोली भाई. यस सर, है यहाँ से इंग्लिश सर. बिकॉज़ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस अक्रॉस यूरोप बट आल्सो द कॉर्पोरेट लैंग्वेज. हां, इंग्लिश हैज बिकम नॉट ओनली द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, नॉट ओनली ना, नॉट ओनली द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस अक्रॉस यूरोप बट आल्सो कॉर्पोरेट लैंग्वेज. ठीक है, बहुत बढ़िया. ठीक है ओके. थर्ड तो थर्ड का सेकंड. फोर्थ, EU schools regard English as kya? Third, basic skill, na? Yes, sir. Okay. Then fifth, in Europe, the usual pattern is that children should study English late in life. Nahin, children should start learning English from class first. Ho sakta hai, hai bhi. Children may not, hold on please, dekhte hain aage aur bhi to nahi hai. Children may not study, nahi ye nahi hai. Children ought to study English just as a, nahi. Third hi hoga na? Nahi, third hi, second. Yes, first. First nahi, second hoga na, fifth ka? Second, sir, second. Second, sir. Second, clear hai? ओके. यस सर, क्लियर सर. आज कैंडिडेट्स कुछ कम है, संडे की वजह से कम है क्या? गर्मी सर बहुत है. अरे कहाँ गर्मी है प्रभु, टेम्परेचर बिलो 35 डिग्री है सर. गांव गांव में अलग से टेम्परेचर थोड़े आ जाएगा, ह्यूमिडिटी होगी थोड़ी सी, ये हो सकता है ह्यूमिडिटी की वजह से टेम्परेचर फील हो रहा होगा. ओके, अब आज ये दूसरे पैसेज पे. दूसरा पैसेज है, इवन द मेजोरिटी ऑफ एल्डर्स टर्न देयर होम्स इनटू हाइप्स ऑफ वरी. ये पैसेज खोल लीजिए, ऊपर से जो दूसरा था. अब मैं पहले पूछ लूं, सब लोगों ने किया है कि नहीं? यस सर.
से इसमें तो कई क्वेश्चन है, 10 है क्या? 10 है क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाई डू द मेजॉरिटी ऑफ रिटायर्ड एल्डर्स फाइंड रिटायरमेंट टायरसम, हाउ हैव द जापानीज बेनिफिटेड फ्रॉम देयर वीकेंड्स, द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम, द ऑथर थिंक्स दैट, द पैसेज टेल्स अस दैट। ओके शुरू करते हैं, ये ही नहीं है द होना चाहिए, इवन द होना चाहिए, ठीक है, इवन द मेजोरिटी। ओके ये आप लोग समझ गए होंगे, इवन द मेजोरिटी ऑफ एल्डर्स टर्न देयर होम्स इनटू हाइप्स ऑफ वरी एज दे हैव टू लिटिल टू डू इन टू मच टाइम, बहुत ज्यादा समय में बहुत थोड़ा सा उनको करना होता है, ठीक है। ओके इसलिए जो है बहुत बवालिया टाइप का माहौल बना देते हैं वो। दोज हु हैव रिटायर्ड दस फाइंड रिटायरमेंट टायरसम व्हेन हॉबीज Instead could have turned it into a period of creativity and contentment. Contentment means satisfaction. This common problem of inability to utilize leisure pleasurably and profitably is not restricted to Indians. In fact, Japanese are the worst sufferers. ठीक है, देखिए मिथ क्लियर हो रहा है, हमको लगता है कि विदेशी लोग जो होते हैं वो हमसे बेहतर टाइम को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। Their weekends rather than increase their enjoyment of life have wreaked havoc on their health and happiness. Unable to while away. While away का मतलब क्या होता है? While away, निशा, सप्ता, सुप्रिया मैडम, आकांक्षा जी, वर्ब की तरह यूज होता है वाइल। हाँ यस यस बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए सर। जैसे गुजर जाए बीत जाए जो, नहीं नहीं नहीं, वाइल अवे का मतलब कहीं बाहर रहना एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, ठीक है, घूमने फिरने जाना, ठीक है। ये रेन मार्टिन के एक सेंस के एक सेंटेंस में यूज हुआ ये वर्ब, ठीक है, शायद पार्ट ऑफ स्पीच में यूज हुआ है। अनएबल टू वाइल अवे द लॉन्ग unstructured hour, many of them have become addicted to coffee and hard liquor and have even taken to gambling. Take two. आप लोगों ने फ्रेजल बार में पढ़ा होगा, लत लग जाना किसी चीज का, ठीक है। Okay. How has this social malady come about? Come about भी एक फ्रेजल वर्ब है, happening, happen. हाउ हैज दिस सोशल मैलेडी, अब आप लोग देख रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब और धीमे धीमे idiom का मीनिंग अगर पता हो तो पैसेज की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। हाउ हैज दिस सोशल मैलेडी कम अबाउट, अच्छा आज रीना मैडम नहीं आई है और रूपांजलि मैडम भी नहीं आई है ना, क्यों? हाँ यस ठीक है। हाउ हैज दिस सोशल मैलेडी कम अबाउट, आयरोनिकली The syllabus loaded education system is the main culprit. Syllabus loaded education system is the main culprit. It places a heavy workload on children and youth, laying emphasis as it does on memory rather than intelligence. Kya baat hai? Ye bahut hi important baat yahan kahi hai. It places a heavy workload on children and youth, laying emphasis as it does on memory rather than intelligence. Emphasis जो है ज्यादा वो memory पे देते हैं education system, ठीक है, ना कि intelligence पे। और मैं आपको बताऊँ, आपके घरों में अगर CBSE board के ICSE board के खास करके जो बच्चे होंगे उनका देखिएगा, class 9, 10th का syllabus इतना vast दिया है जिसका आगे चल के कोई बहुत मतलब नहीं है। और जो मैंने ऑब्जर्व किया है ICSE board में class 6, 7th, 8, 9th तक का जो syllabus है या जो एक्टिविटी देते हैं, बच्चा वो लिखने में और एक्टिविटी और फाइल प्रोजेक्ट तैयार करने में अपना पूरा समय गंवा देता है और उसका आगे चल के कोई यूटिलिटी नहीं है। यह ससु वही जाता है शाम से ही बार। हाँ
Why do a majority of retired elders find retirement tiresome? Answer. Because their homes have been turned into hives, nahi. Because they do not have horrible nahi hobbies to utilize their free time, maybe. Because they had nothing to do, because they had plenty of free times, yes. Kya hoga? 20 seconds. Why not fourth? पहला होना चाहिए था। हाँ, पहला कैसे हो जाएगा? पहला नहीं हो सकता, पहला वो नतीजा है, पहला जो दिया है दैट इज आउटकम ऑफ फ्री टाइम। लो यस सर। ठीक है, तो चौथा क्यों नहीं हो सकता? बोले हमारे पास फ्री टाइम तो है, लेकिन उस फ्री टाइम को जैसे इंडियन लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, नाती पोता के साथ या कुछ हॉबीज में, ठीक है, तो फ्री टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो भी जो है आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। तो जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए वो सेकेंड ही होना चाहिए, बिकॉज दे डू नॉट हैव हॉबीज टू यूटिलाइज देयर फ्री टाइम। कोई दिक्कत? नो सर। How have the Japanese benefited from their weekends? Japanese jo hai kaise benefit hue hain apne weekend se? They have increased enjoyment in life. They enjoy health and happiness. They use their free time to increase their enjoyment. They become addicted to coffee or hard liquor and gambling. Question ko samajhiye. How have the Japanese benefited from their weekends? Kya answer hoga? Huh? फोर्थ होगा सर। फोर्थ। तंजीला बोलिए सर। फोर्थ होगा। फोर्थ होगा, लेकिन ये क्या कह रहा? हाउ हैव द जापानीज बेनिफिटेड फ्रॉम देयर वीकेंड? वीकेंड से बेनिफिट कैसे हुए हैं? अपने आप को एडिक्ट बना के। थर्ड थर्ड होगा, देखता हूँ। सेकंड पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। दिस कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इन ability to utilize leisure pleasurably and profitably is not restricted to Indians. In fact, Japanese are the worst sufferers. Their weekends, rather than increase their enjoyment of life, have wreaked havoc on their health and happiness. ठीक है, ध्यान समझिए। Unable to while away the long unstructured hour, many of them have become addicted to coffee or hard liquor and have even taken to gambling. तो गलत बात है ना? ये सवाल क्या कर रहा है? How have the Japanese benefited from their weekends? अपने weekend से कैसे benefit पाए हैं? ये पूछ रहा है ना? Yes sir. बोलिए भाई। Yes sir. तो जो force में दे रहा है वो तो benefit नहीं है ना? No sir. लेकिन sir passage के आधार पर तो यही आ रहा है। नहीं मैडम, आप एक बार पढ़िए तो पैसेज को, पैसे मतलब सेकंड पैराग्राफ को पढ़िए, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग। दिस कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इनएबिलिटी टू यूटिलाइज लीजर प्लेजरेबली एंड प्रॉफिटेबली इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडियन। कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इनएबिलिटी, जो आम समस्या है फ्री टाइम को सही ढंग से ना यूटिलाइज करने का, फ्री टाइम को सही ढंग से ना यूटिलाइज करने का जो आम समस्या है वो केवल भारतीयों तक ही सीमित नहीं है, ठीक है, बल्कि जापानीज तो भारतीयों से ज्यादा पीड़ित है। ये बात समझ में आई? यस सर। इनफैक्ट जापानीज आर द वर्स्ट सफरर्स। देयर वीकेंड रादर देन इंक्रीज देयर एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ have wreaked havoc on their health and happiness. बात समझ में? Their weekend, उनका जो सप्ताह का अंत होता है, जो weekend होता है, rather than increase their enjoyment of life, rather than, ठीक है, life के enjoyment को बढ़ाने के बजाय, have wreaked havoc on their health and happiness, ठीक है, उनके health और happiness पे जो है कहर ढा दिया है, ठीक है। unable to while away the long अनस्ट्रक्चर्ड आवर, जो अनस्ट्रक्चर्ड टाइम है, अनडिसाइडेड टाइम है या अनस्पेसिफाइड टाइम है, ठीक है, वो उस समय वो बहुत उसको एंजॉय नहीं कर सकते। मेनी ऑफ देम हैव बिकम एडिक्टेड टू कॉफी और हार्ड लिकर, ठीक है, उसको सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो ज्यादातर उनमें से क्या हो गए हैं? एडिक्टेड हो गए। किसके? कॉफी के और हार्ड लिकर के, और कुछ तो जुआ के आदति हो गए। तो ये अच्छी बात है या खराब बात है? खराब।
अनिता मैडम आपको समझ में आया इसका मतलब सेकंड पैसेज का जो मतलब सेकंड पैराग्राफ का? हेलो नहीं है तो जो मुझे लग रहा है यस इज एवरीवन देयर यस सर तो इसका आंसर जो मुझे समझ में आ रहा है वो फोर्थ तो नहीं होना चाहिए ना तो क्या होना चाहिए तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन दे हैव इंक्रीज एंजॉयमेंट इन लाइफ ठीक है तो ज्यादातर कॉफी पी के लिकर पी के और गैम्बलिंग करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं भले हेल्थ हैप्पीनेस उनका खराब हो रहा हो ये हो सकता है कि नहीं यस एवरीवन थर्ड नहीं हो सकता थर्ड देख लेते दे यूज देयर फ्री टाइम टू इंक्रीज देयर एंजॉयमेंट दे हैव इंक्रीज एंजॉयमेंट इन लाइफ दे यूज देयर फ्री टाइम हाँ हो सकता है बिल्कुल हो सकता है दे हैव इंक्रीज हाँ ठीक है थर्ड ही होगा दोनों में स्लाइट डिफरेंस है कि उन्होंने अपने एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ को बढ़ा दिया है और ये कह रहा है कि वो फ्री टाइम को जो है एंजॉयमेंट के लिए ज्यादा यूज करते हैं थर्ड लेट्स गो फॉर द थर्ड वन ठीक है द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम क्या है आंसर बताइए थर्ड का प्लेसेस अ हैवी बर्डन ऑन द यूथ एक तो ये हो गया एंश्योर्स दैट पेरेंट्स पे अटेंशन टू नहीं बिल्कुल नहीं ले एम्फेसिस ऑन इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं गिव्स स्टूडेंट अ लॉट ऑफ फ्री टाइम पहला ही होगा यस द ऑथर थिंक्स दैट अथॉरिटीज आर मोर एप्रिशिएटिव ऑफ द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम सेकेंड का कौन सा बताएं सेकेंड का मैडम थर्ड ऑप्शन ओके सर फोर्थ का द ऑथर थिंक्स दैट अथॉरिटीज आर मोर एप्रिशिएटिव ऑफ द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम हॉबीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में भी हो सकता है ठीक है को करिकुलर नहीं बिल्कुल इसकी बात ही नहीं कही गई है को करिकुलर एक्टिविटीज आर डिस्करेज बिल्कुल बात नहीं ओनली इंडियन सफर फ्रॉम इनएबिलिटी टू यूटिलाइज लीजर बिल्कुल नहीं तो थर्ड फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा ठीक है अब आते हैं अथॉरिटीज आर मोर एप्रिशिएटिव ऑफ द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम ना ये तो नहीं हो सकता हॉबीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग अनफॉर्चुनेट यही सर यस ओके ठीक है फिफ्थ द पैसेज टेल्स अस दैट हॉबीज आर अ वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं हॉबीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट मे बी हॉबीज रैक हैवक ऑन मेंस बिल्कुल नहीं हॉबीज कैन टर्न अस इनटू एडिक्ट बिल्कुल नहीं तो थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा हॉबीज आर अ वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं होगा तो सेकंड सेकंड टीचर आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव क्या होगा वेयर ही लिव्ड ऑप्शन नंबर थर्ड राइट थर्ड ऑप्शन ओके यस सर लीव्स डैश इन ऑटम ऑटम सीजन में पत्ते सब देखो फॉल के बाद डाउन लगा है फॉल के बाद ऑफ लगा है फॉल के बाद ऑन लगा है फॉल के बाद फिर अच्छा दो बार ऑफ हो गया क्या इसमें कुछ और हो सकता था और टाइपिंग में गड़बड़ी होगी ठीक है तो ऐसे तो लग रहा है कि प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है क्योंकि वर्ब तो सब में फॉल है और कॉमन वर्ब है फॉल सब में लेकिन उसके बाद सिर्फ प्रीपोजिशन चेंज हो रहा है तो क्या प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए फॉल डाउन फॉल ऑफ सेकेंड फोर्थ को हटा दिया चूंकि रिपीट हुआ है फोर्थ को हटा दिया या सेकेंड ऑब्लिक फोर में कर दिया चूंकि दोनों का एक ही आ गया है कुछ भी क्वेश्चन फॉल ऑफ फॉल डाउन नहीं होता है फॉल डाउन क्या होगा सुनिए फॉल डाउन क्या होगा कोई बच्चा ग्राउंड पे खेल रहा है और खेलते खेलते वो ग्राउंड पे गिर गया तो ग्राउंड से सेपरेट हुआ क्या वो
नो सर नो सर वहां पे बोल रहा हूं यहां पे सेपरेशन है ना यस सर अलग हो रहा है यस सर वन हु सॉरी वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बताइए कौन सा है सर सेवेंथ का क्या बोल रहे हैं मैं एट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर क्या होगा थर्ड वन सर थर्ड वन प्रोसीलाइट थर्ड सर शायद प्रेम जी सर सेवेंथ का आंसर पूछ रहे थे किसका सेवेंथ का आंसर सेवेंथ का जो है फॉल ऑफ होगा जो कि सेकंड में भी दिया है फोर्थ में भी दिया है इसलिए हम सेकंड ऑब्लिक फोर्थ कर दिए हैं क्योंकि दोनों में कॉमन आ गया हमारे ख्याल से फोर्थ में कोई और प्रिकॉशन लगाना चाहिए था हो सकता है हमने ध्यान ना दिया क्योंकि टाइप इसको हमने हम ही नहीं किया है ठीक है ओके यागो लाइड टू ओथेलो अबाउट हिज वाइफ क्या होगा लाई का फॉर्म लाई भी होता है लाइट भी होता है ले भी होता है लेड भी होता है लेन भी होता है यहाँ पे क्या होगा लेड झूठ बोलेगा हमें नहीं पता क्या होगा लेड ही होगा कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड सर बाकी लोग चुप्पी मार के सुन रहे हैं सिर्फ कुछ लोग स्टूडेंट ऑटोमेटिक क्लास तो नहीं कर रहे हेडफोन लगा के संडे को नो सर बी होगा क्या होगा बी होगा सेकंड भैया लेड जो है किसका कौन सा लेन होगा सर फोर्थ होगा क्या होगा पांचवा है नहीं तो कुछ लोग पांचवा ही बताते हैं पांचवा है नहीं कुछ लोग पांचवा ही बताते हैं फोर्थ होगा भाई अरे लाई का एक तो लाई लाइट लाइट होता है एक होता है लाई ले लेन होता है और एक ले लेट लेड होता है जिसको आप लोग लेटना रेटाना कहते हैं तो यहाँ लेटने रेटाने की बात हो रही है झूठ बोलने की बात हो रही है झूठ बोलने का झूठ बोलने का तो लाइट ही होगा ना पास्ट में प्रेजेंट में लाई होता है पास्ट में लाइट होगा झूठ बोलने का क्यों भाई ओके Do you have some sugar? No error. No error. Fourth. No error. Fourth, yes. ठीक है कि यहाँ इंट्रोगेटिव भले ही है लेकिन इस इंट्रोगेटिव में क्या है कि इंट्रोगेटिव के तरह ये नहीं बल्कि सामने वाले से डिमांड कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है इनफॉर्मल तरीके से कि थोड़ा चीनी हो तो दे दो ठीक है ओके तो पॉजिटिव वे में जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे सम लगेगा अदरवाइज जो है ये नहीं लगता ऑलराइट सेटिस्फाइड एवरीवन एक सेकंड वो कॉल उठ नहीं पाया था मैं फिर से एक बार कॉल कर लूं इसमें और तो कुछ नहीं बचा ना लास्ट मैसेज चलिए इसमें भी कितने 10 क्वेश्चन है Okay.
पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा लंबा पैसेज लग रहा है. Why was the writer able to live in jail without much worry? What was the fear of the writer in his childhood? Where was the writer when he concluded that worry was useless? What was the recurring nightmare of the writer after the war was over? How does a cause of worry trouble us if we suppress our worry deliberately? ठीक है. Worry is a very common thing. Even children worry as much as grown-up people. In his childhood, the writer used to fear that his parents would die suddenly at night. His fear and anxiety was imaginary. When he was on the war front in Mesopotamia, the writer came to a certain conclusion on worrying. He was a subaltern. Subaltern kya hota hai? Officer. Hoga query. It was not his duty to plan future actions of war. He was there only to carry out what the superiors would decide. So it was useless to worry. When he took that stand, he slept soundly without worry. Here, the writer had some real reason to worry, but he could get rid of it when he found it was useless to worry. He followed the same principle when he was a prisoner of war and he was in Asiatic Turkey. There, too, he banished his worries because nothing of his future depended on himself. The future of the prisoner of war would depend on the various governments. Thus, he was able to live there without much worry, though he was a prisoner. But his deliberate suppression of worry, his होना चाहिए था ये, ठीक है? But his deliberate suppression of worry during the war and as a prisoner did not wholly eradicate his worries. ध्यान से देखिएगा. But his deliberate suppression of worry during the war and as a prisoner did not wholly eradicate his worries. The fear had gone to his subconscious mind and remained there worried. After the war, the writer was at home. But whenever a member of his family was absent, he feared all sorts of mishap happening to him or her. Moreover, he had a recurring nightmare that he had become a prisoner of war and the war was not going to end. The worries without any real cause here were the manifestations of the fears that he had banished deliberately earlier. ये हर किसी के साथ होता है, ठीक है. Why was the writer able to live in jail without much worry? Answer. First one. What was the fear of the writer in his childhood? Yes. Second. Parents would die suddenly at night. Second, yes. Where was the writer when he concluded the worry was useless? कहाँ था? Sir, three. Third. Okay. What was the recurring nightmare of the writer after the war was over? क्या था? First. He dreamt that he was a prisoner in a war that was not going to be over. Fourth one. Fourth, the first. Then, how does a cause of worry trouble us if we suppress our worry deliberately? क्या होगा? Second one. Second. Subconscious mind. ठीक है. Sixth, my friend has a toothache and cannot eat something. First. क्या होगा? First. क्यों first होगा?
क्योंकि सेंटेंस कैसा है, एसआरटी में निगेटिव है, तो एसआरटी में अगर निगेटिव है तो हम एनी का यूज करते हैं, एनीथिंग एनीबडी या सिंपली एनी, ठीक है। फर्स्ट माई फादर हैज बीन एडवाइज टू डैश इज स्मोकिंग, बहुत बढ़िया। क्या होगा, अब देखिए जैसे कि जो लोग पढ़े होंगे फ्रेजल वर्ब ठीक है, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए क्या है, उनको रहेगा प्रीपोजिशन का क्वेश्चन, सब में काट दिया, बाकी प्रीपोजिशन चेंज हो गया है, क्या होगा सेकेंड। कट डाउन का मतलब कम करना, और कट ऑफ का मतलब बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देना, है ना। यस सर। तो पूरी तरह से खत्म करेंगे स्मोकिंग को या कम करेंगे? खत्म करेंगे। अफ्रीका इज इन द साउथ ऑफ यूरोप, बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन का बताइए क्या होगा सेकेंड। टू द साउथ ऑफ यूरोप सेकेंड। बट इन अच्छा है, एडियम है, बट इन का क्या मतलब होता है? इंटरप्ट। गुड, तैयार तो किए आप लोग। देन सॉरी, चूज वन वर्ड फॉर गवर्नमेंट और रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ओलिगार्ची। सेकेंड। सेकेंड ओलिगार्ची, ठीक है ठीक है। बहुत दिन से पेंडिंग था, मामला हो गया। कल फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग लेंगे फ्रेजल वर्ब, ओके ठीक है, ताकि ये खत्म हो जाए। उसके बाद जो है सुनिए, उसके बाद फिर हम लोग बाद में मॉडल लेंगे, ठीक है। तो मॉडल सपना हो ही गया है, अब हम लोगों का बचा क्या था, जैसे अगर हम वर्ब की बात करें, वीआरबी वर्ब की बात करें, तो वर्ब में आपका फाइनाइट वर्ब हो गया था, ठीक है। फाइनाइट वर्ब में एक मॉडल बचा था, मॉडल्स भी हो गया, अब आपका बचेगा क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब ना। यस सर। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में आपका इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्वेश्चन बनेगा विद टू विदाउट टू, उसके बाद यूज ऑफ जीरंड, कहाँ पे जीरंड लगेगा, कहाँ पे इन्फिनिटिव लगेगा, और एक पार्टिसिपल है, कहाँ पे पार्टिसिपल का आगे देखें कैसे लगेगा, ठीक है, वो आपका थोड़ा सा रह जाएगा, तो ये नॉन फाइनाइट भी हो जाएगा। तो ये बताइए, जब आप लोगों का नॉन फाइनाइट भी हो जाएगा, मॉडल भी हो जाएगा, तो वर्ब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, बोलिए। तो कंजंक्शन एक बच जाएगा, इंटरजेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। तो लास्ट टॉपिक जो अगर नॉन फाइनाइट हम लोग कर लेते हैं, तो लास्ट टॉपिक क्या बच जाएगा, कंजंक्शन पार्ट ऑफ स्पीच का, हाँ है ना। और उसके बाद फिर फंक्शनल ग्रामर हमारा जो है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस, उसके बाद बहुत छोटा चीज बचेगा, ठीक है ओके। बोलिए ठीक है, तो फिर इसको रखें, पुट ऑफ का मतलब खत्म कर देना, ओके। तो फ्रेजल वर्ब आप लोग कल कर लीजिएगा, अच्छी तरह से रिवाइज करके एक्सरसाइज कर लीजिएगा, फिर हम आपको आज ही मॉडल वर्ब का मतलब वो दे देंगे, एग्जाम शीट भेज देंगे, ठीक है। तो कल हमें लगता है कि कुछ पैसेज कर लेंगे हम लोग, कल के लिए कुछ पैसेज कर लेंगे, एक दो पैसेज कर लेंगे, और एग्जाम शीट कल खत्म हो जाएगी, किसकी, फ्रेजल वर्ब की। फिर परसों भी हम मॉडल्स का क्वेश्चंस कर लेंगे, और पैसेज नहीं हो पाएगा अगर एक दिन में करना है, तो इसमें क्वेश्चन ज्यादा होंगे, ठीक है, ये कर लेंगे, ठीक है। तो कल परसों मंडे एंड ट्यूजडे में ये दोनों खत्म हो जाएंगे, फिर वेडनेसडे फिर वेडनेसडे को कोई नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। गुड इवनिंग शमामा, गुड इवनिंग शमामा, ये बताइए कल आपका त्योहार है, तो 8 बजे इवनिंग में क्लास लेने में कोई दिक्कत? आई एम नॉट इम्पोजिंग, ओनली इफ यू अलाउ अस। शमामा प्रॉब्लम तो नहीं है सर, सुबह में नहीं हो पाएगा? सुबह में अभी किसी ने मना किया कि सर सुबह बिजी रहेंगे, नहीं हम अपने तरफ से क्लास नहीं चलाएंगे। अगर आप दो कैंडिडेट हैं त्योहार वाले, जरा भी 1% भी अगर दिक्कत हो कहिए, मैं कल ऑफ कर दूंगा, क्योंकि कल गजेट हॉलीडे भी है। कर दीजिए सर, कोई इशू नहीं है, कल कर। नहीं नहीं, हम अपने से नहीं करना चाहते, आप लोग कहेंगे तो मैं कर दूंगा,
यस सर हम यही करेंगे, जाने दीजिए सर. जाने दीजिए मतलब क्या, छुट्टी छुट्टी कर दीजिए कहने का मतलब ये. अच्छा ठीक है, चलिए ओके भाई. नाउ इट्स डिसाइडेड, टुमारो शैल बी अ हॉलीडे. ओके लेकिन यस सर ठीक है. लेकिन एक काम ये करिएगा कि आपके पास शीट है, मॉडल क्वेश्चन शीट भी मैं भेज दूंगा. तो फ्रेजल वर्ब का तो ज्यादातर लोग उम्मीद है कि कर चुके होंगे. ये मॉडल क्वेश्चन का भी शीट आप लोग कर लीजिएगा ठीक है, ताकि जब हम क्लास में आए तो आराम से उसको सॉल्व कर पाए ठीक है. अब आज नया कुछ करने के लिए है नहीं अपने पास, नया टॉपिक हम शुरू नहीं करेंगे जब तक कि दोनों शीट नहीं करा लेते हैं, तो फिर पेंडिंग चीजें ज्यादा हो जाएंगी. ओके सर, थैंक यू सर. ओके सर, थैंक यू सर. ओके.